नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की कड़ियां सीबीआई जोड़ने में जुटी है। आज पांचवा दिन है। इस बीच खबर आ रही है कि केस को सुलझाने के लिए उनकी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराई जा सकती है। आखिरकार ये क्या होती है, चलिए जानते हैं एक्सपर्ट से। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सागर मुंदड़ा, मनोचिकित्सक। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी क्या होती है, वो कैसे करते हैं, उसकी जरूरत क्या है? सुशांत सिंह राजपूत के केस में जब से सीबीआई ने कहा है कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी होगी तो लोगों की इस बारे में रुचि बहुत बढ़ गई है। तो सबसे पहले हम समझ के लेते हैं कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कौन से केसेस में करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं मेडिको लीगल जिसमें मेडिकल ऑटोप्सी करने के बाद साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की जरूरत पड़ती है। तो कब कब ये जरूरत पड़ती है? सबसे पहले जब मेडिकल ऑटोप्सी कर ली है लेकिन 100% हम बता नहीं पा रहे हैं कि मृत्यु की वजह क्या है। दूसरी चीज, जब जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस पे हमें थोड़ा शक है कि इन्हें कोई मानसिक तकलीफ तो नहीं थी, इन्हें कोई मानसिक बीमारी तो नहीं थी, तो ऐसे समय में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करना बहुत बेहतर होता है। इसके अलावा जब हम ये नहीं पहचान पाते हैं कि एग्जैक्ट रीजन क्या था मृत्यु का, क्या वो आत्महत्या थी, क्या वो हत्या थी, क्या वो एक एक्सीडेंट था, तो ऐसे केसेस में भी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी बहुत मदद करती है। तो सुशांत जी के केस में क्या ये सभी परिस्थितियां का निर्माण हुआ है? जी जरूर हुआ है। तो इससे मुझे लगता है कि बहुत सॉलिड एविडेंस क्रिएट होगा अगर साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की जाती है इस केस में। अब सवाल ये उठता है कि ये साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कैसे की जाती है, क्या क्या मिलान किया जाता है, क्या क्या देखा जाता है, सुनिए एक्सपर्ट से। दूसरी चीज, कैसी होती है ये साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी? तो सबसे पहले इसमें ये होता है कि जो व्यक्ति है जिसका देहांत हुआ है उसने कुछ रिकॉर्ड्स बनाए हैं क्या, उसने कुछ अपने जर्नल में लिखा है क्या, उसने अपनी मनस्थिति के बारे में कहीं भी कोई भी वर्णन करके रखा है क्या? आजकल के जमाने में फेसबुक हो जाए, इंस्टाग्राम हो जाए या फिर कोई भी सोशल मीडिया पोर्टल हो जाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो जाए, वहां पे भी बहुत सारे हमें क्लूज मिल सकते हैं, तो इन सभी चीजों का अध्ययन करते हैं। दूसरी चीज इसमें होती है कि क्या इस व्यक्ति को मानसिक बीमारी थी, अगर मानसिक बीमारी थी तो वो कितने लेवल पे थी, उसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा था, ट्रीटमेंट से उसे फायदा हो रहा था या नहीं हो रहा था, इन सभी चीजों का अध्ययन होता है। जैसे सुशांत के केस में कोई कह रहा है कि ये डिप्रेशन से ग्रस्त है, कोई कह रहा है कि इनको बाइपोलर डिसऑर्डर था, तो दूध का दूध और पानी का पानी क्या है, ये करने में मदद होती है। और तीसरी इसमें चीज होती है कि जो घर के व्यक्ति है, जो उनके दोस्त है, जो उनके साथ काम करने वाले व्यक्ति है, उनसे डिटेल में पूछा जाता है, उनका वर्णन कि मृत्यु होने के कुछ समय पहले से क्या सुशांत या फिर कोई भी व्यक्ति ऐसे केस में बहुत शांत हो गए थे, क्या वो बहुत चिड़चिड़े हो गए थे, क्या वो अक्सर कहते थे कि जीने में कोई मतलब नहीं है, या फिर उनकी मनस्थिति क्या थी, ये हम उनके इर्द गिर्द के लोगों से समझने की कोशिश करते हैं। ये सबका अध्ययन करके साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट एक नतीजे पे आते हैं कि क्या ये व्यक्ति सुसाइड करने की तरफ प्रवृत्त हो रहा था या नहीं हो रहा था। तो तीसरा सबसे अहम सवाल यह है कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से सुशांत सिंह राजपूत केस को सुलझाने में कितनी मदद मिलेगी, क्या इससे राज खुल जाएगा या सिर्फ इसको पूरक के रूप में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी सुन लीजिए। मुझे लगता है सुशांत सिंह राजपूत के केस में दूध का दूध और पानी का पानी करने में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी बहुत मदद करेगी। क्या सिर्फ साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि क्या हुआ था केस में? तो इसका उत्तर मेरे हिसाब से है नहीं। जो मेडिकल ऑटोप्सी हुई है, जो बाकी भी एविडेंस मिला है, उसमें ये पूरक की तरह काम करेगा, बट सिर्फ उसके बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ था। बट ये एक अच्छा कदम है सीबीआई द्वारा, एक साइंटिफिक तरीका है, साइंटिफिक लोग जो उसके स्टडी करते हैं उनके द्वारा अगर किया जाए तो इसका फायदा बहुत हो सकता है केस में। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि ये साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी केस को सुलझाने में मददगार साबित हो सकती है, पूर्ण रूप से ये कोई एविडेंस नहीं जुटा सकती, जो पहले से एविडेंस है उसको कोरोबरेट कर सकती है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सुनंदा पुष्कर मामले में और दिल्ली में जो एक ही परिवार के 11 लोगों ने सुसाइड किया था, ऐसे कुछ गिने चिने मामलों में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की गई है और अब सुशांत सिंह राजपूत केस में करने की तैयारी है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें